हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। आइए, जैसा हमारा डिस्कशन आगे आपको पता है कंटिन्यू करना है, शेड्यूल वन CGST एक्ट का जो है वो हम पिछली वीडियो में चार पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं। हमने एक्चुअली पढ़ रहे थे हम व्हाट इज़ सप्लाई, तो बेसिक सप्लाई की डेफिनेशन दी थी, फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन की बात हुई थी, और फिर COD दो पार्ट थे, शेड्यूल वन एक्टिविटीज़ एंड शेड्यूल टू एक्टिविटीज़ कह लो, सप्लाईज़ कह लो, एंड शेड्यूल टू सप्लाईज़। तो ये शेड्यूल वन मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विद शेड्यूल टू। तो लिखना शुरू कीजिएगा, अपने असाइनमेंट रजिस्टर खोलिए एंड राइट डाउन शेड्यूल टू अंडर CGST एक्ट। शेड्यूल टू में इन्होंने सप्लाई को डिफाइन किया है अपने स्टाइल से। मैंने थोड़ी सी लिबर्टी सिर्फ ये ली है कि इन्होंने सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज को मिक्स किया हुआ है। मैंने थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमें कोई ये तो है नहीं कि थ्योरी क्वेश्चन आएगा जिसमें बैठ के रट के पूरा लिखना है, और लिख भी दो तो मेरे ख्याल से कोई भी टीचर माइंड नहीं करेगा इस बात को। तो शेड्यूल सॉरी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज को अलग अलग किया है। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो मैं इस वीडियो में सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करूंगा और अगली वीडियो में मैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात करूंगा। सो अब इसके अंदर एक नई हेडिंग हम ले रहे हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि शेड्यूल टू में किस किस एक्टिविटी को, किस किस ट्रांजैक्शन को टैक्सेबल करना है, इसको डिफाइन करने की कोशिश की है। तो दिस इज एक तरह से सप्लाई, जो ओवरऑल शेड्यूल टू है वो सप्लाई को डिफाइन कर रहा है। इसको कई जगह आप डिक्लेयर्ड गुड्स या डिक्लेयर्ड सप्लाईज भी कह सकते हैं, जैसे पुराना कल्चर है कि कुछ चीजों को डिफाइन कर देते हैं। तो सबसे किस किस को सप्लाई ऑफ गुड्स माना है, किस किस को सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना है, वो हम अगली दो वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जैसे मैंने कहा विल डिस्कस अबाउट सप्लाई ऑफ गुड्स। इसमें सबसे पहले लिखिएगा सिंपल ऑनरशिप, दैट इज द बेसिक सप्लाई। सो ट्रांसफर ऑफ टाइटल, ट्रांसफर ऑफ टाइटल माने कि गुड्स को आपने बेच दिया, खत्म, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, कोई भी चीज आपने सेल कर दी, ऑनरशिप उसकी ट्रांसफर कर दी, तो ऑब्वियसली वो आपका ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स है। दूसरी सिचुएशन में मैं हायर परचेज इंस्टॉलमेंट के बारे में भी लिखवाऊंगा आपको, जहां पर अभी फिलहाल ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, लेकिन जब आप फाइनल पेमेंट उसकी पूरी कर देंगे तब इवेंचुअली वो ट्रांसफर हो ही जाएगी। तो आप जानते हो हायर परचेज पे अगर आज की तारीख में कोई बंदा हायर परचेज या इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे खरीद के लाया तो वो ये थोड़ी बोलता है कि मैं इसका मालिक नहीं हूँ, प्रैक्टिकली तो वो उसका मालिक बन ही जाता है। सिर्फ ये रह जाता है कि हाँ भाई इंस्टॉलमेंट्स देनी है या हायर परचेज में जो भी उसकी किस्तें हैं वो भरनी है। तो गवर्नमेंट भी इसको फिर प्रैक्टिकली एक तरह से सेल की तरह ट्रीट करिए, प्रॉपर ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। आप भी जानते हो जैसे अगर हमने गाड़ी भी हाइपोथेटिकेट करवाई है, थोड़ा सा लोन लेके खरीदी है, तो पहले बैंक के नाम पर RC बनती है, फिर फाइनली वो हमारे नाम पर आती है। तो बस वही कल्चर वाली बात है। तो इसके बारे में लिखिएगा ट्रांसफर ऑफ टाइटल अंडर एन एग्रीमेंट वेयर प्रॉपर्टी इन गुड्स, प्रॉपर्टी इन गुड्स अगेन मीन्स ऑनरशिप। ये आप लोगों ने जब फाउंडेशन CPT कुछ इस तरह की पढ़ाई की होगी अगर कभी, तो उस वक्त भी जो है मैंने भी पढ़ाया था, अगर मुझसे ही पढ़ा है या जैसे भी, कि प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब होता है ऑनरशिप इन गुड्स। प्रॉपर्टी यहाँ पर वर्ड ऑनरशिप की तरफ रेफर करता है। सो ट्रांसफर ऑफ टाइटल यानी अगेन ऑनरशिप अंडर एन एग्रीमेंट वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स दैट इज द ऑनरशिप इन गुड्स पासिस, यानी ये कब ट्रांसफर होती है, एट ए फ्यूचर डेट, बाद में होती है, कब जी, जब पैसे दे दोगे, ऑन पेमेंट, पैसे तो मतलब दिए ही होते हैं, पूरे पैसे जब कंप्लीट कर दो, ऑन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन, यानी कि जब पूरे पैसे आ जाएंगे, ऑन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन, तो ये फ्यूचर में आपकी ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफर होती है, ऑन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन, करेक्ट। चलिए इसका हम एग्जाम्पल भी आपको लिखवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे पहले ही बताया था आपको, हायर परचेज ट्रांजेक्शन एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम, हायर परचेज ट्रांजेक्शंस और इंस्टॉलमेंट सिस्टम आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी हायर परचेज इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे जब चीज़ें खरीदी जाती हैं तो GST लॉ में उनको सेल ही माना जा रहा है एक तरह से, और उस पर भी GST बिल्कुल प्रॉपरली लगाया जा सकता है, देर इज नो डाउट। तीसरा, अगर आपने अपने जो बिजनेस के गुड्स हैं उनको परमानेंटली किसी को दे दिया, परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया या फ्री के भाव दे दिया, बिल्कुल डिस्पोज ऑफ,
तब भी जीएसटी के अंदर ये ट्रांजैक्शन आएगी, ठीक है। सो लिखिएगा परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस गुड्स वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने बिजनेस गुड्स किसी को बिल्कुल विदाउट एनी कंसिडरेशन भी डिस्पोज ऑफ कर दोगे, चल तू ले जा, तब भी अगर गवर्नमेंट को वहाँ पर ये फील होता है कि इस पर जीएसटी लगना है तो वैल्यूएशन सिस्टम्स हैं, बाकायदा वैल्यू की जाएगी, ये ट्रांजैक्शन सप्लाई मानी जाएगी एंड इट कैन डेफिनेटली बी सब्जेक्ट टू जीएसटी। इस पर कोई डाउट किंतु परंतु नहीं है कि ये ट्रांजैक्शन आपकी जीएसटी मानी जा सकती है। बात आ रही समझ में? चलिए नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट। ये कहता है कि सपोज किसी बंदे ने अपना बिजनेस बंद करना है। अब एक तरह से जिसको अगर हम प्रोफेशनल बुक्स में देखें तो उसने ये कहा है कि बिजनेस बंद नहीं कर रहे, जीएसटी से बाहर जा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं किसी बंदे की टर्नओवर अब 20 लाख से कम हो गई, बिजनेस नहीं चल रहा किसी भी रीजन से, तो उसको लगता है यार अब मेरे को नहीं करना, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है 20 लाख से ऊपर अगर आपकी टर्नओवर है तो रजिस्ट्रेशन कराओ। अब उसको लगा कि भाई मेरा तो बिजनेस चल नहीं रहा, छोड़ो यार इसको, जीएसटी के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कराओ। अब गवर्नमेंट एक तरह से, ये एग्जाम में लिखने वाली चीज़ नहीं है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको पकड़ना, एक तरह से गवर्नमेंट ये मान के चल रही है कि जो बिजनेस पहले रजिस्टर्ड था वो अब उस बचे हुए अनसोल्ड स्टॉक को, कहानी किसकी हो रही है, अनसोल्ड स्टॉक की। मैं दोबारा सारा बोलता हूँ, फोर्थ पॉइंट हो सकता है आप कैच ना कर पा रहे हो, मैं दोबारा शुरू से बताता हूँ। एक आदमी है, बिजनेस कर रहा है, उसके पास गुड्स हैं। हम पढ़ ही क्या रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सप्लाई ऑफ गुड्स की, कि किसको सप्लाई माना जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि एक आदमी अब अपने आप को रजिस्ट्रेशन से बाहर ला रहा है, जीएसटी परिधि से। इसको डी रजिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं, जैसे मेरिट का उल्टा होता है डी मेरिट, तो ऐसे रजिस्ट्रेशन का उल्टा डी रजिस्ट्रेशन। सो डी रजिस्ट्रेशन वो करवा रहा है अपना, तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट एक तरह से मान के चल रही है कि भाई देखो आपने जब सामान खरीदा उस पर ITC भी ले लिया होगा, अब आप अगर वो बिजनेस बंद कर रहे हैं, एक तरह से अपने आप को डी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो वो जो नया बंदा है वो आप ही, लेकिन एक तरह से जो रजिस्टर्ड बिजनेस है वो उस अनरजिस्टर्ड बिजनेस को गुड्स ट्रांसफर कर रहा है, तो इसलिए इसको भी सप्लाई माना है। थोड़ा हार्श है प्रोविजन, बट देखा जाए तो वही बात आती है कि ITC तो ले लिया होगा ना जब आपने सामान खरीदा था। सो गुड्स रिटेन्ड आफ्टर डी रजिस्ट्रेशन, गुड्स रिटेन्ड आफ्टर डी रजिस्ट्रेशन, इसको भी जो है डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स माना है, कि यानी कि इस सिचुएशन में भी टैक्स लगेगा और जीएसटी जो है वो एप्लीकेबल होगा। एक तरह से हम ये मान के चल रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि जैसे हमने खुद को ही रजिस्टर्ड बिजनेस ने अनरजिस्टर्ड बिजनेस को सामान बेच दिया है। बहुत ज़्यादा इसकी गहराई में उतरने का फायदा नहीं है, इस तरह की रेयर सिचुएशन है, आप इसको एक थ्योरी पॉइंट मान के चल सकते हैं, बट फिर भी लॉ की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने अपनी तरफ से समझाया कि जिन गुड्स को रजिस्ट्रेशन डी रजिस्ट्रेशन यानी जब आप अपना रजिस्ट्रेशन एक तरह से सरेंडर कर रहे हैं उस वक्त भी इसको डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स माना जा सकता है। नाउ जहां तक सवाल है गुड्स रिटेन्ड आफ्टर डी रजिस्ट्रेशन का, इसके अंदर भी थोड़े से एक एक्सेप्शन इन्होंने क्रिएट किया, यानी कि एक तरह से दो सिचुएशन में इन्होंने कहा कि हम नहीं लेंगे एक्सेप्शंस, जहां पर सप्लाई नहीं मानी गई एक्सेप्शंस। एक तो है जहां पर आप बिजनेस को एज ए गोइंग कंसर्न किसी को बेच रहे हैं, द बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज ए गोइंग कंसर्न, ठीक है, ये याद करने वाले पॉइंट है सिर्फ दो। एक यानी कि गुड्स रिटेन्ड आफ्टर डी रजिस्ट्रेशन को डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स माना है, लेकिन दो सिचुएशन है। हो सकता है कि आप अपना बिजनेस का रजिस्ट्रेशन इसलिए कैंसिल करा रहे हैं क्योंकि आप दूसरे को बेच रहे हैं, तो बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज ए गोइंग कंसर्न, चलता हुआ एक बिजनेस आपने किसी को बेच दिया, अब वो रजिस्ट्रेशन कराएगा आगे कंटिन्यू करेगा, ये तो ये बात हो गई, राइट। सो बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज ए गोइंग कंसर्न, ये एक पॉइंट हो गया, एंड बी द बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, बिजनेस आप अपने किसी और रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू करा रहे हैं और वो रजिस्टर्ड है। द बिजनेस इज कैरिड ऑन बाई ए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, यानी कि अगर वो खुद अपने आप में एक टैक्सेबल पर्सन है तो इन दैट सिचुएशन गवर्नमेंट की वही सोच है कि अब हमको जो टैक्स लेना है वो दूसरे से ले लेंगे, तो इन दैट सिचुएशन देर इज नो प्रॉब्लम।
यानी बेसिकली जहां आप डी रजिस्ट्रेशन करा के बिजनेस खुद ही चला रहे हैं वहां तो सप्लाई मान रहे हैं, जहां दूसरे को एज ए गोइंग कंसर्न दे रहे हैं या अपने पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव को आप बिजनेस चलाना अलाउ कर रहे हैं जिसको अपने आप में भी एक टैक्सेबल पर्सन है या मान रहे हैं, तो इन दैट सिचुएशन फिर ये प्रोविजन उस पर अप्लाई नहीं होगा। जो भी टैक्सेबिलिटी है वो नए बंदे के हिसाब से होगी, ये कंसेप्ट इसके अंदर है, ठीक है ना। तो अभी तक मैं आपको चार पॉइंट पढ़ा चुका हूँ, हम शेड्यूल टू सीजीएसटी एक्ट में पढ़ रहे हैं सप्लाई ऑफ गुड्स। पहला पॉइंट ऑनरशिप का था, दूसरा हायर परचेज इंस्टॉलमेंट सिस्टम का था, तीसरा यानी आपने गुड्स डिस्पोज ऑफ कर दिए विद और विदाउट कंसिडरेशन, ये पॉइंट आया, और फिर गुड्स रिटेन्ड आफ्टर डी रजिस्ट्रेशन, ये उसका पॉइंट आया। अब हम पाँचवा और आखिरी पॉइंट जो इसके अंदर है वो है कि आपने एक एज ए क्लब अपने मेंबर्स को कोई सर्विसेज दी हैं तो उसको भी इन्होंने बुलाया कि हम जीएसटी में टैक्स लगाएंगे, राइट। सो सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एनी अनइनकॉर्पोरेटेड, ऐसे लिखते हैं अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, यानी कि अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन वही हो गई कोई छोटा मोटा सोसाइटी है, क्लब है ना, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स, इसके अंदर क्लब्स एंड सोसाइटीज़ ही आ गई, फॉर एग्जाम्पल क्लब्स और स्मॉल सोसाइटीज़, ठीक है ना, एंड दे आर गिविंग द सर्विसेज, दे आर सप्लाइंग ऑफ गुड्स टू इट्स मेंबर्स अगेंस्ट कंसिडरेशन। देखिए मैंने जब आपको इनकम टैक्स पढ़ाया था उस वक्त भी ये बात बताई थी, पीजीपीपी के चैप्टर में, हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में, कई चैप्टर्स में इस बारे में रेफरेंसेस आती है कि आखिर ये क्लब्स जब अपने मेंबर्स को सर्विसेज देते हैं तो क्यों टैक्स लगाते हैं। इसके पीछे दो लॉजिक हैं, एक तो ये कि आजकल क्लब्स भी बड़े कमर्शियल टाइप हो गए हैं, बाकायदा मेंबर बनाए जाते हैं, उनको सर्विसेज दी जाती हैं, लोग भी एक होटल में जाने की बजाय अपने क्लब्स में अपनी सोसाइटियों में जाना पसंद कर रहे हैं, वहाँ पर पैसा दे रहे हैं, तो मोर लेस इट सीम्स लाइक इट इज समथिंग गोइंग ऑन ए कमर्शियल बेसिस। एक तो इसलिए भी टैक्सेबिलिटी गवर्नमेंट अप्लाई करती है, और दूसरी बात यह कि अगर इसको छोड़ देना तो शायद बहुत सारे बिजनेस अपने कस्टमर्स को कस्टमर ना दिखा के मेंबर दिखा के यही दिखाएं कि जो हमारा तो क्लब है, हमारी तो सोसाइटी है, और हम तो अपने ही मेंबर्स को सर्विस दे रहे हैं, जहां पर बंधे हुए कस्टमर हैं एटलीस्ट उनको डिफाइन करके मेंबर बना के पूरा का पूरा टैक्स बचाया जा सकता है। इसलिए गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना पड़ता है कि वो ये बोलते हैं कि अगर आपने कोई क्लब या सोसाइटी बनाई है, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, आपने कोई प्रॉपर लीगल उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, आप बस एक बॉडी ऑफ पर्सन्स हैं जैसे मैंने कहा क्लब टाइप, तो भी अगर आप अपने मेंबर्स को कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो वो टैक्सेबल है। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द लॉजिक, एंड इट सीम्स कि इट इज करेक्ट, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये पांच पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया हमने पढ़े शेड्यूल टू में सप्लाई ऑफ गुड्स में, और अभी ये वीडियो में यहीं स्टॉप कर रहा हूँ जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन कि अब नेक्स्ट वीडियो में हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज, डिक्लेयर्ड सर्विसेज एक तरह से पढ़ेंगे जिनको गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है कि भाई ये सर्विसेज हमने कवर करनी है। फाइन, थैंक यू।